तो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा जल्द ही देओल खानदान की अपने टूर शुरू करने वाले हैं, जिसमें धर्मेंद्र अपने दोनों बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल के साथ साथ पोते करण देओल संग भी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। अपने टूर में देओल खानदान की तीनों पीढ़ियाँ पहली बार साथ में काम करती दिखेंगी। इससे पहले ऐसा करिश्मा कभी नहीं हुआ है। फिल्म अपनी टू के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बॉलीवुड लाइव के साथ शूटिंग और रिलीज डेट के बारे में एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि अपने टू में देओल खानदान की तीनों पीढ़ियां साथ आ रही हैं, जिस कारण उन्हें इसे बनाने की जल्दबाजी नहीं है। इस फिल्म को वो समय लेकर पूरे प्यार से बनाएंगे ताकि दर्शकों को कोई शिकायत ना रह जाए। अनिल शर्मा ने बॉलीवुड लाइव को बताया है कि हम अपने टू को अगले साल मार्च अप्रैल में रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाएगी। हम फिल्म की शूटिंग पंजाब और लंदन में करेंगे। ये बहुत बड़ी फिल्म है जिसके लिए हमें बॉक्सिंग रिंग और क्राउड की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की फिल्म बन पा रही है क्योंकि धर्म जी इसमें है। ये पहला मौका होगा जब देओल परिवार की तीनों पीढ़ियाँ एक साथ दिखेंगी। हम इसे बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिल्म में करण एक बॉक्सर का किरदार निभाता दिखेगा, जिसकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से एक ट्रेनर आ रहा है। कोरोना की वजह से उसे वीज़ा नहीं मिल पाया। जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा, करण की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म अपने में पहली बार धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों के साथ काम किया था। इस सीरीज़ की दूसरी फिल्म से वो नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। फिल्म कैसी होगी ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन देओल परिवार की तीनों पीढ़ियों को एक साथ देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। आप कितना एक्साइटेड है? क्या आप सन्नी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी के फ़ैन हैं? अगर है तो कृपया आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देता हूँ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।